फ्रेंड, आज मैं आपको मटर पनीर की रेसिपी देने वाली हूँ। ये है फ्रोजन मटर, ये है सुधा का पनीर, ये रहा प्याज, टमाटर, हरा मिर्च, और ये रहा मैंने ग्राइंडर में पीसा है अदरक, लहसुन और खड़ा मसाला। और मैंने पैन चढ़ा दिया है, पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये तेल हीट हो चुका है, अब हम इसके अंदर पनीर डालेंगे और पनीर को सारे फ्राई करेंगे। ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना, शैलो फ्राई करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरा नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। और ये हमारा पनीर फ्राई हो रहा है, ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, इसको लाइट ब्राउन करना है। सो इसी तेल में हम तेज पत्ता, थोड़ा सा हरा मिर्च और जीरा डाल देंगे। और ये रहा हमारा पनीर फ्राई किया हुआ, अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हमको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा उसको डार्क नहीं करना है। ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है, तो हम एक बार तेल में फ्राई करेंगे, बस चला लेंगे। देख सकते हैं ये भी थोड़ा कच्चा ही है, लाइट ब्राउन करना है। ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, अब जो हमने ग्राइंडर में पीसा था मसाला, अब वो हम डालेंगे 2 स्पून। और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक साइड से तेल ना छोड़ दे, कढ़ाई से मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे। और आप देख सकते हैं तो हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। दूसरी साइड साइड से मसाला में तेल छोड़ दिया, तो ये हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसके अंदर ड्राई मसाला डालेंगे। ये है रेड चिली पाउडर, ये है धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, ये किचन चिली मसाला। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, इसको हम अच्छे से हल्का सा फ्राई करके उसके बाद हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और इसको ढक देंगे। ये देखिए हमारा टमाटर गल चुका है, अच्छे से हमारा टमाटर गल चुका है। अब हम इसके अंदर फ्रोजन मटर डाल देंगे। फ्रोजन मटर जल्दी से पक जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा बॉयल करने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब हम अच्छे से मसालों के साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि हर एक दाने में मसाला का टेस्ट चला जाए। ये देखिए हमारा जो सब्जी है अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसको हम ढक देंगे। ये देखिए मसाले में तेल छोड़ दिया, मटर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे थोड़ा। और अब हम इसको कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम 3 सीटी आने तक वेट करेंगे। और हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इंडक्शन को ऑन कर देते हैं। सॉरी, मैंने इसमें 5 विसल लगाया था। और अब देख सकते हैं हमारा मटर पनीर बन के रेडी है और हम इसको सर्व करने के लिए तैयार है हमारा मटर पनीर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग रेसिपी देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे और आप देख सकते हैं कि मेरा मटर पनीर का कलर कितना अच्छा आया है।
और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना। सो आप अपने घर पर प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।